का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। कोरोना संकट पर मोदी सरकार ने कस ली है कमर। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में कोविड न फैले इसके लिए सतर्कता बरतना हमने शुरू कर दिया है। कहा चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक, दक्षिण कोरिया सभी से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य है। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्रियों की शुरू हुई कोरोना जांच। केंद्र सरकार का आदेश मिलते ही दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डे पर आ रही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों की कोरोना वायरस की रैंडम जांच शुरू हो गई। प्राधिकारियों ने देश में संक्रमण के संभावित प्रसार को रोकने की कोशिशों के तहत ये कदम उठाया है। राजस्थान में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर का फिर हुआ पेपर लीक। शनिवार को होने वाली आरपीएससी ने सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा को गड़बड़ी के चलते रद्द करने का फैसला लिया। सुबह 9 बजे से ये लिखित परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले पेपर लीक की सूचना मिलने के बाद रद्द करने का फैसला लिया गया है। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर 13 दिनों तक लगी रोक। उज्जैन में क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल के दौरान प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। कोची में आईपीएल का ऑक्शन हुआ समाप्त। सैम कैरन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। कुल 5 खिलाड़ियों को ऑक्शन में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। ये 5 खिलाड़ी विदेशी रहे। आज की इवनिंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए नव भारत से जुड़े रहिए।